हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस आपके लिए, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। सबको मालूम है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट के उनके एग्ज़ाम होने वाली है, तो उनके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है उदय सामंत जी, उन्होंने एक 17 मई 2020 को उन्होंने UGC को एक लेटर लिखा, ठीक है। वो लेटर में कुछ उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है जो जान के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यस, तो देखो उन्होंने क्या बोला, एक क्लियर कट उन्होंने UGC को लेटर लिखा। उन्होंने बोला, UGC आपने जो 29 अप्रैल 2020 को जो आपने गाइडलाइन दिया था, राइट ना, जो ये COVID-19 की जो महामारी है, जो उसके अगेंस्ट जो आपने गाइडलाइन दिया था रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स के लिए, उसको हमने प्रॉपरली अच्छी तरीके से फॉलो किया। उसके लिए हमने स्टेट लेवल पे कमेटी बनाई और हमने प्रॉपरली सब कुछ फॉलो किया। और 6 मई को हमने डिसाइड, हमारी जो कमेटी है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, हमने सब डिसाइड कर लिया जे हमारे जो स्टूडेंट है फाइनल ईयर को छोड़ के, फाइनल ईयर का छोड़ के और कुछ मेडिकल एग्रीकल्चर ये सब स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सब स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए। ये सब हमने, सबको मालूम है, ये सब नोटिफिकेशन ने देख लिया है, ठीक है। उन्होंने UGC को और रिक्वेस्ट किया, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझना क्या है उन्होंने बोला है। देखिए, July 2020 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करानी थी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है। वाई? बिकॉज हमारे इधर जो फाइनल ईयर में ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख स्टूडेंट है ऑल ओवर द महाराष्ट्र और अदर पार्ट ऑफ इंडिया जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 8 to 10 लाख स्टूडेंट है, इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम्स कराना पॉसिबल नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो नहीं सकता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ कैंसल द करंट ईयर, दिस ईयर एग्ज़ामिनेशन। उन्होंने बोला ये ईयर का एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दो, फाइनल ईयर के बच्चों को भी एज इट इज़ प्रमोशन कर दो, पास कर दो जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किया था। तो रिक्वेस्ट किया उन्होंने, एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं करा सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये सब चीज़ डिपेंड करता है UGC। उन्होंने क्लियर कट बोला UGC को, प्लीज़ गाइड अस, हम फाइनल ईयर अगर हम प्रमोट भी, फाइनल ईयर के बच्चों को हम पास भी करते तो उनको कैसे पास करें, राइट ना, कौन से बेसिस पे उनको मार्क्स दे, उसके लिए उनसे एक लाइक सजेशन मांगा है, गाइडलाइन मांगा है। तो होप सो अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है तो मे बी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, बिकॉज एग्ज़ाम तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही लेना है ना, तो सब कुछ इनके हाथ में ही है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेट्स सी, होप सो क्या हो, मे बी, मेरा जहाँ तक चांसेस है 99% मे बी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, बिकॉज आप लोग को भी मालूम है मुंबई में, महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में कितनी एकदम सीरियस इमरजेंसी क्राइसिस हो गया है, इतने सारे केसेस है, ऑलमोस्ट इंडिया का 35,000 के आसपास ऑलमोस्ट केस ऐसे कोरोना वायरस के, तो मे बी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है गाइस। बट देन ऑल्सो आप स्टडी करते रहिए जब तक नोटिफिकेशन कुछ ना आ जाए, और जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।